हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपको इस वीडियो में ये वाला डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और बहुत ही आसान है बनाना। केवल चार रो का डिज़ाइन है और सात के मल्टीपल पे ये डिज़ाइन चलता है। यानी कि आप ये डिज़ाइन बनाओगे तो आपने सात फंदे के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट पे अपने फंदे डिवाइड करने हैं, प्लस चार फंदे एक्स्ट्रा चाहिए। ये देखिए, ये इसकी राइट साइड है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स। ये देखिए इसकी बैक साइड से इसका लुक ऐसे आता है, और ये इसकी है राइट साइड। तो चलो देखते हैं, बनाते हैं इसे। देखो फ्रेंड्स, इसी के ही ऊपर मैं आपको बनाना बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, फर्स्ट रो हमारी सीधी तरफ राइट साइड से स्टार्ट होगा। पहले हम अपना बॉर्डर तैयार करेंगे, उसके बाद सीधी तरफ से ये डिज़ाइन हमारा स्टार्ट होगा। सेवन के मल्टीपल पे फंदे रखने हैं हमने, प्लस फोर फंदे एक्स्ट्रा चाहिए। देखिए फर्स्ट रो राइट साइड से, फर्स्ट रो देखिए कैसे बुनी है। पहला फंदा हम सरकाएंगे, इसके बाद हम धागा आगे करेंगे। अब देखिए, पहले हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करना है, और पांच फंदे हमने सीधे बनाने हैं। देखो एक दो तीन चार और पांच। देखिए इसी तरह से हमने ये एज को छोड़ के दो उल्टे और पांच सीधे, दो उल्टे और पांच सीधे, पूरी रो हमने इसी तरह से बुननी है। देखिए दो फंदे उल्टे और पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार और पांच। इसी को ही हमने पूरी रो पे रिपीट करना है। सीधी तरफ से पांच फंदे सीधे, दो उल्टे, पांच सीधे और दो उल्टे, पांच सीधे और दो उल्टे, एक दो, फिर से पांच सीधे, दो फंदे हमारे उल्टे, पांच सीधे और दो उल्टे। देखिए किनारे पे हमारे तीन फंदे बचेंगे। इस साइड भी हमारे तीन थे, एक हमारा एज है और दो हमारे बुनाई के फंदे हैं उल्टे। देखिए यहाँ पे भी दो उल्टा और किनारे का जो फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे। सीधी तरफ से लास्ट का फंदा हमारा हर बार सीधा आएगा राइट साइड से। अब देखिए हमारी बैक साइड, पहला फंदा हम सरकाएंगे। बैक साइड को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बैक साइड से इसका डिजाइन स्टार्ट होगा। फर्स्ट रो पे तो हमने सीधा सीधा और उल्टा उल्टा ही बुना है। अब देखिए बैक साइड, पहला फंदा हमने सरकाया, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, पहले धागा हम अपनी तरफ करेंगे। अब जो आगे के पांच फंदे हैं, देखिए इन्हें कैसे बुनना है, उल्टा ही बुनना है पलवाइज, लेकिन हमने दो बार इस पे लपेटना है ऐसे, एक दो तीन चार और पांच। देखिए पांचों फंदे पर हमने दो दो बार लपेट के बुना है। धागा अब हम पीछे करेंगे और इसी को ही हम रिपीट करेंगे, एज को छोड़ के दो सीधे और पांच फंदों पे हमने लपेट के बनाना है। देखिए एक बार फिर से, देखिए दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदों पे हमने इस तरह से लपेट लपेट के बुनना है, दो बार लपेटना है। देखिए तीन चार और ये पांच, बैक साइड हमारी पूरी ऐसी ही जाएगी, दो सीधे और पांच फंदों पे हमने लपेटना है, सेकंड रो हमारी पूरी ऐसे ही जाएगी, दो फंदे सीधे पांच फंदे हमने लपेट लपेट के बुनने हैं। एक दो तीन
चार और पाँच, फिर से दो फंदे सीधे और देखिए पांच फंदों पे हमने लपेटना है, एक दो तीन चार और पांच। देखिए यहाँ पे भी हमारे तीन फंदे बचे किनारे पे, इन तीन फंदों में से दो फंदे तो हम सीधे बुनेंगे, बैक साइड से जब हमारा लास्ट का फंदा आएगा हर बार उसे हमने उल्टा बुनना है, ये किनारे का फंदा हमारा उल्टा। अब देखिए रो थर्ड हमने कैसे बुननी है, रो थर्ड को भी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला फंदा तो हमने सरकाना है, धागा हम अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए शुरू के दो फंदे उल्टे, एक और दो, और धागा पीछे। अब देखिए जो ये पांच फंदे जो हमने लपेट के बुने हुए हैं बैक साइड से, उन्हें इस साइड से पहले हम इसे इन्हें खोलेंगे। देखिए एक फंदा ये, दो तीन चार और ये पांच। देखिए ये पांच फंदे, फिर हम लेफ्ट नीडल में इसे शिफ्ट करेंगे, पांचों फंदों को देखिए इस पे हमने वापस लेने हैं इन पांचों फंदों को। अब देखिए शुरू के तीन फंदे, एक दो तीन, इन तीन फंदों को हमने देखिए एक दो और तीन, तीन फंदों को हमने इस तरह से लेना है और फिर इस तरह से इस पे शिफ्ट करना है। देखिए ऐसे में हम इसे डालेंगे, यहाँ तीन फंदे ये और दो फंदे ये, पांच फंदे। अब इन पांचों फंदों को हमने बैक लूप से बुनना है, देखिए इस तरह से सिलाई डालनी है, एक फंदा बुनना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा और बुनेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा और बुनेंगे, यानी कि हमने तीन बार बुनना है, तीन फंदे बुनने हैं और दो हमारे जाली में बढ़ जाएंगे। जब हम धागा अपनी तरफ करते हैं उस समय जाली बीच में डल जाती है। देखिए दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए इन पांचों फंदों को हम पहले खोलेंगे, देखो पांचों फंदों को हमने पहले खोला, फिर इसे वापस शिफ्ट किया। अब देखिए आगे के तीन फंदे, एक दो और तीन, तीनों फंदों को हमने इस सिलाई पे लेते हुए ऐसे में इस पे डालना है इन तीनों फंदों को। अब ये तीन और ये दो, तीन और दो, इन पांचों फंदों को हमने बैक लूप से बुनना है, तीन बार बुनना है। लेकिन देखिए कैसे, एक ये हो गया, धागा आगे किया, फिर दो फंदा, देखिए फिर से दो फंदे हो गए, दो धागा आगे किया और ये तीन, इनको हमने थोड़ा लूज बुनना है, ये ध्यान रखिएगा इन फंदों को हमने थोड़ा लूज रखना है। अब धागा आगे करना है, बीच के दो फंदे उल्टे, फिर से हमने डिजाइन वही रिपीट करना है। देखिए पांचों फंदों को पहले हम खोलेंगे, एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदे इस पे शिफ्ट करने हैं। अब आगे के तीन फंदे, एक दो तीन, तीनों फंदों को ऐसे में लेते हुए वापस इस सिलाई पे शिफ्ट करेंगे। अब ये तीन और ये दो और, पांचों फंदे हमने एक साथ बुनने हैं बैक लूप से। देखिए एक बार, एक दो, धागा आगे और ये तीन, देखिए इस तरह से, फिर से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, पांच फंदे खोलने हैं पहले, इनको इसमें शिफ्ट करना है लेफ्ट नीडल में। अब तीन फंदे हमने लेने हैं, इनको इस तरह से मोड़ के इस पे डालना है। देखिए टोटल पांच फंदों को हमने लेना है, बैक लूप से बुनना है, इस तरह से एक बार बुनना है, धागा आगे करना है, फिर दो बार बुनना है, फिर से धागा आगे करना है और तीसरी बार इस तरह से बुनना है। फिर से दो उल्टे, पूरी रो हमने इसी तरह से बुननी है, थर्ड रो। ये देखिए तीन फंदे मैंने मोड़ के इस पे ऐसे डाले, तीन और दो, ये पांचों फंदों को लिया, बैक लूप से बुना, एक दो, हर बार धागा आगे करके बुनेंगे बैक लूप से, तीन। देखिए धागा आगे करेंगे,
दो फंदे उल्टे बुनेंगे और किनारे का जो एज है उसे हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमारी थर्ड रो ओवर होगी। देखिए अब आ गए हम फिफ्थ रो पे बैक साइड। पहला फंदा सरकाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब देखिए ये जो पांच फंदे हैं इनको हमने एक एक करके सीधा उल्टा बुनना है। एक, दो, तीन, चार और पांच। देखिए दो फंदे सीधे, बैक साइड से हमारा हर बार ऐसे ही आता है, दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। धागा पीछे किया, दो फंदे सीधे बुने, धागा अपनी तरफ किया, पांच फंदे उल्टे बुनने हैं। जो डिज़ाइन के फंदे हैं वो उल्टे बुने जाएंगे और जो बीच में दो फंदे हैं वो बैक साइड से सीधे। इसी तरह से हमारी फोर्थ रो ओवर होगी, दो सीधे और पांच उल्टे। फिर दो सीधे और पांच उल्टे। एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर से दो सीधे और जो हमारा लास्ट का एज है उसे हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी फोर्थ रो ओवर होगी। इन्हीं फोर रो को फ्रेंड्स हमने बार बार रिपीट करना है और ये हमारा देखिए प्यारा सा डिज़ाइन बनके तैयार होता जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।